नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जर्नलिज्म गाइड में। आज की जो बात हम करने वाले हैं वो डीडी फ्री डिश के बारे में ही करेंगे। अगर आप भी डीडी फ्री डिश के ही उपभोक्ता हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि कृपया करके आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम जो है आपके आने वाली ई ऑक्शन के बारे में ही बात करेंगे। कुछ वक्त पहले ही प्रसार भारती ने हमारे बीच बहुत बड़ी घोषणा कर दी कि 56 जो ई ऑक्शन है वो MPEG2 स्लॉट्स के लिए उन्होंने रख दी है और उसमें जो भी चैनल भाग लेंगे उनको हम 1 जनवरी से आप सभी के लिए लॉन्च करेंगे। लेकिन दुख की बात दोस्तों ये रही कि 56 ई ऑक्शन कामयाब ना हो सकी। जितने भी चैनल्स ने भाग लिया, कह लीजिए तो प्रसार भारती की उम्मीदों पर वे खरे नहीं उतरे। प्रसार भारती को जितनी उम्मीद थी उनसे पैसों की, उतने वो पैसे देने को राजी नहीं हुए और जो चैनल है वो फेल हो गए। इसकी वजह से प्रसार भारती ने जो है इस ऑक्शन को रद्द ही कर दिया और अब जो है दोस्तों यही उम्मीद जो है वो हमारी अगली ई ऑक्शन को लेकर बन गई है कि आखिर अगली ई ऑक्शन का क्या होने वाला है, कब तक जो है हमारे बीच अगली ई ऑक्शन MPEG2 स्लॉट्स को लेकर हो सकती है। तो दोस्तों उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चैनल में पहली बार आए थे तो आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे और साथ ही में अगर आप डिटेल्स की कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। बाकी अगर आप कोई वीडियो मिस कर चुके हैं हमारी तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियोज में जाकर हमारी सभी वीडियोस को आप चेकआउट कर सकते हैं। जो भी आपको वीडियो पसंद हो उसे आप देख सकते हैं। हम बात करने वाले हैं दोस्तों ई ऑक्शन के बारे में ही। 56 ई ऑक्शन देखिए नाकाम रही, कोई बात नहीं, अगली ई ऑक्शन जो है हमें पूरी उम्मीद है कि वह अच्छी साबित होगी, क्योंकि अब जो ई ऑक्शन होगी वह पूरे 1 साल के लिए होगी। जो पिछले साल हमारे बीच ई ऑक्शन हुई उसमें जितने चैनल्स हमारे बीच लॉन्च हुए वो आज आपको टीवी स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अब ये 2022 में भी देखने को मिलेंगे ये कह लीजिए तो अभी मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक वो चैनल सक्सेसफुली स्लॉट नहीं जीत लेता है 2022 की गारंटी बिल्कुल नहीं है। यानी कह लीजिए तो जो भी चैनल आपके मनपसंद चल रहे हैं, चाहे वो जी अनमोल है, स्टार उत्सव है, स्टार उत्सव मूवीज है, सोनी वाह है, जी के ग्रुप का कोई चैनल है, जी पंजाबी है, या कोई चढ़ती कला टाइम टीवी है, चाहे कोई भी चैनल है, वो जो भी आपको डीडी फ्री डिश में अभी देखने को मिल रहा है उसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि साल 2022 तक वो आपको देखने को मिलेगा। ये गारंटी आपकी 31 मार्च 2022 तक की है। 31 मार्च के बाद कौन सा चैनल यहां पर सक्सेसफुली स्लॉट जीत लेगा वो अभी कुछ नहीं पता। जो जीतेगा वही आगे बना रहेगा और वही आपको देखने को मिलेगा। अगर इनमें से कोई भी चैनल नाकाम साबित हो गया, वो डीडी फ्री डिश की उम्मीदों पर खरा ना उतरा, उसने डीडी फ्री डिश के अकॉर्डिंग पैसे नहीं दिए, तो वो चैनल डीडी फ्री डिश से बाहर कर दिया जाएगा। अब आपकी उसके चैनल की कितनी भी मांग क्यों ना हो, प्रसार भारती को उससे कोई मतलब नहीं होगा, डीडी फ्री डिश को उससे कोई लेना देना नहीं होगा। अब आपके चैनल पर निर्भर करता है कि आखिर वो कितना संघर्ष करता है डीडी फ्री डिश में बने रहने के लिए। आप क्या चाहते हैं कि कौन से चैनल्स ऐसे हैं जो कि आपके पूरे 1 साल के लिए बने रहे। देखिए साल 2022 जो है उसमें जो भी चैनल्स आपको देखने को मिलेंगे वो वही मिलेंगे जो अच्छी खासी फीस पे कर देंगे। और अब बात आती है कि ई ऑक्शन होगी कब, तो ई ऑक्शन की जो खबर है दोस्तों वो ये आ रही है कि फरवरी के महीने में जो ये ई ऑक्शन रखी जा सकती है और 1 अप्रैल से जो है चैनलों को लॉन्च किया जाएगा। अगर फरवरी के अंत में ई ऑक्शन का ऐलान नहीं होता है तो मार्च के फर्स्ट वीक तक दोस्तों पूरी उम्मीद है कि ई ऑक्शन की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी और उस दौरान जो भी चैनल्स हिस्सा लेंगे पूरे 1 साल के लिए लेंगे और वो आपको पूरे 1 साल तक के देखने के लिए मिलेंगे। अब ये जो फीस होती है दोस्तों वो पूरी आपको कह लीजिए तो पार्ट में डिवाइड करके देनी होती है, यानी कि शुरू के 2 महीने की जो फीस होती है वो पहले प्रसार भारती मांग लेता है, एडवांस में भी मांग लेता है, और उसके बाद जो बाकी फीस होती है उनको आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। ये चैनल्स और ब्रॉडकास्टर्स जो हैं या फिर आपके जो डीडी फ्री डिश है उनकी पॉलिसी के ऊपर है, लेकिन हमारा मानना यहाँ पर ये है ना चैनल्स अभी आपको देखने को मिल रहे हैं वो सभी के सभी आपको 2022 में भी देखने को मिलते रहे, जो खासकर मेजर चैनल्स हैं। जो भी फ्री टूर के कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो कि किसी काम के नहीं है, मोस्टली टेलीशॉपिंग पर ही वो निर्भर करते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है नीचे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे देखिए उन चैनल्स की भी गलती नहीं होती, वो भी मजबूर हैं कि अगर वो टेलीशॉपिंग नहीं दिखाएंगे तो उनको जो है सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा और वो कोई भी कंटेंट आपके लिए नहीं चला पाएंगे, तो ये भी काफ़ी बड़ा सवाल होता है चैनल के लिए, क्योंकि वो मजबूर होता है, उसकी भी मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से उसे एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, जैसे कि हमारी मजबूरियाँ होती हैं। हम भी कई बार जो है ऐसी प्रमोशन की जो वीडियोज़ आपके बीच लेकर आते हैं उसका भी कारण होता है कि हम आपके लिए अच्छे खासे प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग कर सकें, इसी वजह से जो है उन वीडियोज़ को हमको बनाना पड़ता है, अन्यथा हमारा भी कोई बड़ा कोई वजह नहीं होता। तो आपके जो है मुझे कमेंट्स का इंतजार रहेगा कि आखिर ऐसे कौन से चैनल्स हैं जिसे आप डीडी फ्री डिश में साल 2022 में देखना पसंद करेंगे और ऐसे कौन से चैनल्स हैं जो कि आप चाहते हैं कि डीडी फ्री डिश से हटा देने चाहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। नमस्कार।